एक बड़ी खबर बिहार के बेगूसराय से आ रही है, जहां पे हम आपको बताते चले कि शराब माफिया के विरुद्ध बेगूसराय पुलिस एक्शन मोड में आ गई है और लगातार कार्रवाई कर रही है। गुरुवार की देर रात भी गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर नीमा चांदपुरा थाने की पुलिस ने एक ट्रक जब्त किया है। बरामद शराब की कीमत 20 लाख से अधिक आकी गई है। मौके पर से एक शराब कारोबारी को भी गिरफ्त में ले लिया गया है, जबकि शेष लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफलता हासिल की है। नीमा चांदपुरा थाना में शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में इंस्पेक्टर मदन कुमार सिंह ने बताया कि देर रात सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के वनद्वारा गांव के समीप कारोबारी द्वारा विदेशी शराब अनलोड कर छुपाया जा रहा है। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष शशि कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने कछुआही बहियारा में छापेमारी कर दिया। मौके पर से 5106 बोतल विदेशी शराब लदे यूपी नंबर के ट्रक, एक पिकअप वैन, एक बाइक और 2 मोबाइल को बरामद किया गया है। वहीं कारोबारी वनद्वार निवासी रामसुगरनाथ सिंह के पुत्र रणधीर कुमार सिंह को भी गिरफ्त में ले लिया गया है। कारोबार में शामिल शेष शराब माफिया की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। 10 दिनों के अंदर नीमा चांदपुरा पुलिस द्वारा 2 ट्रक शराब पकड़ने को लेकर टीम को पुरस्कृत किया जाने की अनुशंसा एसपी से की गई है। और आखिरी में क्या कहा पुलिस पदाधिकारी ने, आइए सुनते हैं। एक पिकअप वैन और एक मोटरसाइकिल।